गत माह हुए अंधे कत्ल का सतवास पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामला सतवास का है, जहां गत माह एक महिला का शव सड़ा गला बंधान में पत्थरों से बंधा हुआ पानी में मिला था, जिसकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई आज तक। उस प्रकरण में पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक देवास शिवदयाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा और SDOP के निर्देशन में विवेचना कर इस हत्याकांड का खुलासा किया है और आरोपी राजेश जाट निवासी सतवास को व अन्य साथियों को हिरासत में लिया गया है। सतवास से संजय परसाई की रिपोर्ट। 1 जनवरी को थाना सतवास में चंदकेसर नदी पर एक लाश मिली थी, जो एक महिला का होना पाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का अपराध पाए जाने से हत्या का अपराध थाना सतवास में पंजीबद्ध किया गया था। थाना प्रभारी अमित जादौन के द्वारा इसमें मुखबरी लगाकर जब इसको ट्रेस किया गया तो उस महिला की पहचान कृष्णा के रूप में हुई और एक आरोपी राजेश जाट ट्रेस हुआ, जिसकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो जब्त किया गया और महिला के सारे सामान उस नदी से जब्त किए गए हैं। आरोपी राजेश जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है और राजेश जाट के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। प्रकरण में विवेचना के बाद अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।